हर हर महादेव। देखिए एक प्रश्न है अंबिका दत्त पांडे जी का, गर्ग गोत्री रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर किसी का जन्म दिन अधिक मास में हो तो उसका जन्मदिन कब होगा? समझे, किसी का जन्म यदि अधिक मास में हुआ है, अधिक मास प्रतिवर्ष तो आएगा ना, तो उसका जन्मदिन कब मनाया जाए, एक प्रश्न। दूसरा, यदि किसी को अपना जन्मदिन पता नहीं हो कि हमारा जन्म तारीख कौन सी है क्या है, तो क्या वो जन्मदिन मना सकता है? क्योंकि तारीख से मनाना तो है नहीं, तारीख इत्यादि से जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मुख्य रूप से जन्मदिन तिथियों के आधार पर या नक्षत्रों के आधार पर मनाना चाहिए, ये ही शास्त्र सम्मत है। इस पर विचार करते हैं। देखिए, और जन्मदिन में कौन कौन सी तिथि कब ले सकते हैं, ये जो प्रश्न और उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरात्मक बहुत अच्छे ढंग से जो कई शास्त्रों में बतलाया गया है, धर्म सिंधु कार की जो शैली है वो बड़ी सरल संक्षिप्त और सारगर्भित है। इसलिए सरल संक्षिप्त और सारगर्भित होने के कारण धर्म सिंधु ग्रंथ आज बहुत ही सदुपयोगी है। इस दृष्टि से बहुत लंबी बात को न करके संक्षिप्त में और सार की बात पूरी कह देते हैं, तो वो किसी प्रमाण ग्रंथ को बहुत कम वचनों को उद्धृत करते हैं, परंतु उनका एक भी शब्द किसी शास्त्र से प्रतिकूल नहीं होता। और शास्त्रों के कई वचनों का जो सार रूप समावेश करके वे लिखते हैं। इसलिए धर्म सिंधु जो है निबंध ग्रंथ का एक एक शब्द परम प्रमाणित है। इस दृष्टि से आप देखें, इसका नाम जो है वर्धापन संस्कार भी है। वर्धापन तो कह रहे हैं कि अथ वर्धापन विधि सच वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्म तिथौ कार्य। ध्यान देना, सच वर्ष पर्यंतम, जैसे बालक का जन्म हुआ है तो एक वर्ष तक प्रति महीने की उसी तिथि में मनाना चाहिए। सच वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्म तिथौ कार्य, किसी का जन्म जैसे अना की अष्टमी में हुआ है तो एक वर्ष तक तो हर अष्ट एक महीने एक वर्ष तक हर महीने की उसी पक्ष की उसी तिथि में, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ है तो शुक्ल पक्ष की हर महीने की अष्टमी में जन्मदिन मनाया जाएगा। यानी एक वर्ष में 12 बार जन्मदिन मनेगा पहली वर्ष में। यदि नक्षत्र को मान करके जो है जन्मदिन मनाते हैं, कि दोनों ही प्रक्रिया है, जहाँ जैसा चल रहा हो, हम लोग तिथि को मान करके जन्म तिथि मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कुछ लोग जन्म नक्षत्र का भी है, तो जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसी नक्षत्र जब जो आएगा, हर महीने में एक बार आता है, तो उस नक्षत्र में फिर जन्मदिन मनाएगा फिर उसी अगले वाले नक्षत्र में या जिस तिथि में। ये तो धर्म सिंधुकार तिथि की ही बात कर रहा है, वो विकल्प मैं दूसरे शास्त्रों से भी बतला रहा हूँ। तो उसी तिथि में हर महीने में जन्मदिन मनाएगा, तो पहले वर्ष हर तिथि में। सच वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्म तिथौ कार्य, और वर्षोत्तरम एक वर्ष निकल गया फिर दूसरी वर्ष में प्रत्यब्दम जन्म तिथौ कार्य, प्रति वर्ष उसी मास के उसी पक्ष की उसी तिथि में करना चाहिए तिथौ कार्य। इसी तरीके से नक्षत्र वालों के लिए उसी मास के उसी नक्षत्र में करना चाहिए। अब देखिए कि हमारे यहाँ तिथि दो हो जाती है, आज भी है और कल भी है, तो क्या करें? तो तिथि द्वैधे यत्र जन्मर्क्ष योगा साग्राह्य। तिथि द्वैधे, यदि तिथि दो हो गई तो जिस तिथि में जो जन्म नक्षत्र है उसका योग हो रहा हो तो उस तिथि को लेना साग्राह्य।
और दिनद्वये जन्म नक्षत्र योग सत्व असत्व यो औदयकी द्विमुहूर्ताधिका ग्राह्या। यदि दोनों दिन तिथि हो, दोनों दिन नक्षत्र का योग हो, या दोनों दिन तिथि है नक्षत्र का योग किसी भी दिन नहीं है, तब सत्वे असत्वे तदा औदयकी, तो उदय वाली तिथि लेना जिस दिन उदया तिथि हो। अच्छा, परंतु उदया तिथि भी कितनी हो, द्विमुहूर्ताधिका ग्राह्य, दो मुहूर्त से ज्यादा हो, दो मुहूर्त से ज्यादा हो, यानी चार घटी कम से कम, मुहूर्तम घटिका द्वयम, दो घटी का एक मुहूर्त होता है और एक घटी में लगभग 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो दो मुहूर्त कम से कम घटी वो तिथि हो तो उस दिन वाली लेना। और द्विमुहूर्त न्यूनत्व, दूसरे दिन की जो तिथि तो है उदया, तो आज जैसे सूर्योदय पे नहीं लगी है, बाद में लगी है कोई जन्मदिन मनाने वाला, और दूसरे दिन जो है वो तिथि कल, वो दो मुहूर्त से कम है, अर्थात पूरी चार घटी नहीं है, तीन घटी है, दो घटी है, एक घटी है, तो चार घटी से कम है, तब पूर्वाग्राह्य, तो पहली ही तिथि लेना, पहली ही तिथि, द्विमुहूर्त न्यूनत्व पूर्वा, तो पूर्वा तिथि लेना। ये बहुत विशेष निर्णय है, और ये जन्मदिन तो रोज ही मनाए जा रहे हैं, प्रायः सब लोगों के घर में होते ही हैं, तो इस पर विशेष बात रखनी है, ध्यान रखना है। जन्म मासस्य अधिक मासत्व, अब ध्यान देना, अब ये बतला रहा है, जन्म मास किसी का अधिक हो, अर्थात अधिक मास में या क्षय मास में मल मास में किसी का जन्म हुआ हो बालक का, तो उसका जो है जन्मोत्सव यानी कि अब्धपूर्ति संस्कार कब होगा, तो शुद्ध मासे प्रत्याब्धिक वर्धापन विधि नत्वधिके, एकदम इन्होंने सार लिख दिया, जो कि कई वचनों का जो है समावेश है इसमें। बोले जन्मासस्य अधिक अधिक सत्वे, अगर किसी का जन्मास अधिक हो तो शुद्ध मासे, शुद्ध महीने में ही होगा, प्रतिवर्ष होगा, प्रत्याब्धिक प्रत्याब्धिक वर्धापन विधि, प्रतिवार होगा। बोले अगर किसी का जो जन्मदिन है अधिक मास में है, तो अगली वर्ष उसने शुद्ध में ही मनाना चाहिए, फिर दूसरी वर्ष भी शुद्ध में मनाना चाहिए, तीसरी वर्ष फिर अधिक मास पड़ेगा, कोई भी हो सकता है कि वो न पड़ गए कोई दूसरा अधिक, पहले तो वैशाख अधिक था, अब भाद्रपद अधिक हो गया, तो अधिक मास में उसका जन्मोत्सव नहीं मनाना है, भले ही फिर दोबारा कभी भी वैशाख भी अधिक पड़े तब भी नहीं मनाना, शुद्ध में ही करना है। ये देखिए कि जन्म मास या अधिक मासत्वे शुद्ध मासे प्रत्याब्धिक वर्धापन विधि न तो अधिके, अधिक मास में नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने बतलाया। परंतु ये जो किसी की अगर मृत्यु अधिक मास में हुई है तो उसको भी ऐसा नियम होगा, ऐसा नहीं है, उसकी विधि अलग है, वो कभी हम जो है फिर किसी वीडियो में ये बतलाएंगे कि अधिक मास में किसी का जो है क्षय होता है, तो किसी की मृत्यु होती है, तो उसके लिए प्रत्याब्धिक श्राद्ध कब होगा। देखिए अब एक बात थी कि जिसको किसी को अपनी जन्मतिथि याद नहीं है कि कब हुआ था, कई माताएं भूल जाती हैं बहुत, या कोई जो है माता दिवंगत हो गई तब नहीं है, आप मनाना चाहते अपना जन्मोत्सव, तो वे क्या करें, जिनको अपने जन्मतिथि का जो है पता नहीं है, तो लिखा हुआ है कि शुभानाम वार वर्गाश्च राशियश्च धनुर्विना श्रेष्ठा अनेष्टास्तथा शेषा मकरो मध्यमो भवे। बोले अशुभ तिथियों को छोड़ करके, अशुभ बारों को छोड़कर शुभ तिथि बार में, और वो जो है अपना जन्मोत्सव मना सकता है धनु के चंद्रमा को छोड़ करके। देखिए शुभ तिथि बार इत्यादि को लेकर के मना सकता है, शुभानाम वार वर्गांश, शुभ बार शुभ तिथि में और शुभ राशि में जब चंद्रमा हो, परंतु धनुर्बिना, धनु राशि पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और मकर राशि का चंद्रमा मध्यम माना गया है,
इसमें कर सकते परंतु उत्तम नहीं है। और जो इनके बिना है तो सब जो नेष्ट से इतर है वो सब श्रेष्ठ है। इसलिए रिक्ता तिथि, पर्व तिथि, अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और धनु राशि का चंद्रमा इनमें नहीं होना चाहिए। बाकी का ये जो है हस्त, मूल, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा तीनों, धनिष्ठा, रेवती, पुनर्वसु, पुष्य, इन नक्षत्रों में शकुनी वृष्टि कर्ण में भी नहीं करना चाहिए, बाकी के सभी कर्णों में और उस महीने की तिथि में वो जन्मोत्सव मना सकता है। ये मास का ज्ञान होना आवश्यक है। हर हर महादेव।